तो खैर हाय बोलो, हाय बोलो सबको, बोलो हाय हाय। और महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और वीडियो में। तो गुरु अभी गाड़ी बाड़ी पे जा नहीं रहे हैं, तो क्या है कि ये ब्लॉग जो है वो स्टार्ट हो रहा है आज घर से। और जो है कि अपन चलने वाले हैं घूमने, स्कॉर्पियो घूमने, क्या काम से ही जा रहे हैं तो घूमना भी बोल सकते हैं। तो अपन जाएंगे स्कॉर्पियो से, ठीक है। अजय भैया के स्कॉर्पियो से जाने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं वीडियो में आगे आपको अपडेट देते रहेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, आपको सारा अपडेट यहीं से देंगे, क्योंकि वीडियो हमने कर लिया है शूट और बहुत से पार्ट जो है वो प्रॉपर शूट नहीं हो पाए थे, छूट गए थे, तो उस चीज़ को मैं यहीं छत पे से एक्सप्लेन करूँगा। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। तो गुरु यही है अपनी आ गई गाड़ी और अपन यहाँ से चलेंगे। अब देखिए कहाँ चलते हैं, कैसे चलते हैं, जाना कहाँ है वो तो आपको पता चल जाएगा बीच में। मतलब आगे चलेंगे तो बताएंगे कहाँ जाना है, क्योंकि अभी ये फ्रूट की दुकान है, यहाँ पे भैया आए हुए हैं, उनको थोड़ा सा पैसा लेना है एक लोग से। तो अभी पैसा लेंगे, पैसा लेने के बाद जो है फिर यहाँ से हम लोग चलेंगे। तो चलिए पहले पैसा लेते हैं फिर मिलते हैं। तो गुरु ये है मोहनिया टोल, और बहुत दिन बाद, मतलब लगभग 6 महीने बाद मैं बिहार एंटर कर रहा हूँ और अपन चल रहे हैं समस्तीपुर। मैं बोला था वीडियो में आपको आगे अपडेट मिल जाएगा। तो ये है मोहनिया टोल गुरु, और यहाँ से जो है अपन निकल रहे हैं बिहार समस्तीपुर के लिए। अपने को थोड़ा सा काम है और इसलिए समस्तीपुर जा रहे हैं मैं और अजय भैया। ये देख सकते हैं मोहनिया टोल का व्यू, क्योंकि बहुत दिन बाद जा रहा हूँ मैं, लगभग 6 महीने हो गए, 6 महीने बाद बिहार जाना हो रहा है और सारी चीज़ें रिमेम्बर कर रहा हूँ। मतलब बहुत मज़ा आ रहा है आफ्टर लॉन्ग टाइम, क्योंकि एक टाइम पे जाते थे और रोज़ जाते थे, पर अभी जो है देखिए यही है। तो पहले टोल क्रॉस करते हैं और फिर मिलते हैं आप सभी से आगे, क्योंकि आगे जो है अभी वहाँ पे दारू चेकिंग किया जाता है, वो भी चेक करेगा गाड़ी के अंदर, उसके बाद ही छोड़ेगा। तो चलिए पहले यहाँ से क्रॉस होते हैं फिर मिलते हैं आप सभी से। तो गुरु ये टोल क्रॉस हो रहे हैं, ये उड़ गया अपना टोल का फाटक और यहाँ से आगे चलेंगे अब चेक पोस्ट के पास, जो चेकिंग पॉइंट है बिहार का। और वहाँ पर मतलब सॉरी माफ़ करिएगा, खांसी आ रही है। वहाँ पे जो है वो चेकिंग पॉइंट है, वहाँ पे दारू का चेकिंग किया जाता है। और तो चलिए पहले वहाँ पहुँचते हैं फिर मिलते हैं। तो गुरु अपना गाड़ी जो है वो हो गया चेक और अपन यहाँ से निकल रहे हैं। मतलब देखिए आगे टोल क्रॉस हो गए, चेक पोस्ट भी क्रॉस हो गए और अभी बिहार में अपन कर लिए हैं एंटर। तो चलिए अब आगे मिलते हैं। गुड मॉर्निंग गुरु महादेव, अभी हम जो है फ़िलहाल रुके हुए थे नेवरागंज थाने पे, क्योंकि घर से निकले और उसके बाद भैया आए स्कॉर्पियो लिए, स्कॉर्पियो लेके हम लोग जा रहे हैं समस्तीपुर। हाँ बताना भूल गए थे आपको, फिर मोहनिया क्रॉस व्रॉस हो के आए रात को ही, तो हमको नींद लग रहा है तो सो जाते क्योंकि अपने पास टाइम बहुत था। तो जो है नेवरागंज थाने पर रुक गए, उसके बगल में एक पेट्रोल पम्प है पटना से पहले दानापुर से, वहीं रुके और वहां से जो है अब वहीं पे अभी सो के उठे हैं, 10 मिनट हुआ है, फ्रेश व्रेश हो गए तो हम क्या भाई अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं आज। तो जो है कि क्या बोलते हैं, यहां से अब चलते हैं फिर मिलते हैं अब आप सभी से। तो गुरु वहां से आगे बढ़ गए और ये है क्या बोलते हैं दानापुर स्टेशन, देख सकते हैं आप। बहुत दिन बाद, मतलब यार बहुत कुछ रिमेम्बर कर रहा हूँ मैं, मुझे याद आ रहा है सारा कुछ, क्योंकि एक टाइम पे इधर आते थे और इतना अच्छा लगता था, बट बहुत दिन बाद जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं जा रहे हैं और सारा कुछ, तो मतलब क्या ही बोलना। तो ये है देखिए दानापुर स्टेशन और यहाँ से अभी आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ेंगे राइट लेंगे, राइट लेके जो है वो ओवर ब्रिज चढ़ेंगे, ओवर ब्रिज चढ़ने के बाद ये लेफ्ट लेंगे, तो लेफ्ट में दानापुर के बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिस हैं और ग्राउंड राउंड है उधर, वो सारा कुछ है। इसके बाद जो है ये देखिए राइट हमने ले लिया, मतलब राइट साइड में क्या बोलते हैं कि दानापुर स्टेशन है, जंक्शन मतलब दानापुर जंक्शन है, यहाँ से आगे जाएंगे तो पटना है, मतलब ओवर ब्रिज चढ़ के राइट लेंगे तो पटना और लेफ्ट लेंगे तो जेपी सेतु होके जो है हम लोग निकल जाएंगे अपना हाजीपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मतलब ये सारा कुछ ये रोड जाता है। तो अभी
तो ये हम चढ़ गए ओवर ब्रिज। सुबह का टाइम देख सकते हैं, सामने से सूर्योदय और मतलब व्यू देखिए बस, कितना प्यारा लग रहा है। और आगे से चल के मुझे राइट लेना है, वो पुल मतलब जो ये सारे लोखंड के ब्रिज बने हुए हैं वहीं से, वहाँ से राइट ले सॉरी राइट नहीं, मुझे लेफ्ट लेना है, क्योंकि राइट लूँगा तो गांधी सेतु होके जा सकता हूँ। और जिन्हें जाना है बेगूसराय साइड और उधर भी, तो वो अगर इस पुल से कंफ्यूज है, क्योंकि छोटी गाड़ियाँ इस पुल से चली जाएंगी, तो राइट लेके भी जा सकते हैं और पर अपन लेंगे लेफ्ट। तो चलिए मिलते हैं आगे। तो गुरु वहाँ से जो है हमने लेफ्ट लेके, और लेफ्ट लेने के बाद सीधा अभी जेपी सेतु पहुँचने वाले हैं। आगे जो है ये बोर्ड बोर्ड लगा है कैसे किधर सोनपुर कहाँ कहाँ जाना है, तो अपने को सोनपुर होके ही जाना है हाजीपुर से। तो जो है कि ये अभी आगे बढ़ेंगे यहाँ से ओवरब्रिज से, क्या बोलते हैं कि ये बहुत मतलब यार, ये जो लेफ्ट आपको राइट में ब्रिज दिख रहा है ना, बहुत बड़ा जो है पटना वटना साइड से उनको तो पता है, पर जो नहीं है उनको बता दे कि भैया इतना बड़ा ब्रिज है, कितना बड़ा बताएं, कम से कम 8 से 10 किलोमीटर, 9 या 10 किलोमीटर से ज़्यादा ही का ही है, नहीं यार उससे भी ज़्यादा है। तो बाकी का पता नहीं अपने को, क्योंकि आगे अभी पूरा ब्रिज ही ब्रिज होने वाला और सारा हम आपको दिखाने वाले। देखिए ये हम लोग चढ़ रहे हैं, पहले इसके आगे जो है पुलिस वाले पकड़ लिया करते थे, हालांकि आज पिकअप से नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर वैसे भी दिक्कत नहीं होता क्योंकि हमारा पेपर से हम लोग ओके होते हैं एकदम, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये देख सकते हैं सुबह के टाइम यार कितना प्यारा लग रहा है, मतलब ये ब्रिज चढ़ेंगे फिर उतरेंगे फिर चलेंगे, क्योंकि उसके बाद गंगा घाट आ जाएगा और उसके बाद जेपी सेतु पुल जो कि 7 किलोमीटर का नेट है एकदम, और बहुत बड़ा पुल है वो। बहुत पहले वीडियो जब मैं स्टार्टिंग में ब्लॉगिंग करता था, जब शुरू शुरू मतलब कि जब हमने एक दो वीडियो के बाद बंद कर दिया था, फिर उसके बाद जब हमने चालू किया था तो यहीं से बड़ी वीडियो सब एकदम मस्त चालू हुआ था, क्योंकि अपना मधुपुर काम चल रहा था तो वही सब चल रहा था। देख सकते हैं कितना ब्रिज है और सुबह का टाइम मॉर्निंग व्यू, आए हाय हाय हाय, वही है ना कि सुबह की खूबसूरती का पता उसी को लगता है जैसे सुबह जल्दी उठता है। अभी सुबह के बहुत ज़्यादा 5:30-6 बज रहे हैं, 6 के आसपास उजाला हो गया अच्छा खासा मतलब एकदम। तो यहाँ से अब उतरेंगे नीचे, और जो है कि अभी यहाँ पे काम और भी चालू है ऐसा है। तो गुरु हम लोग जो है ओवर ब्रिज उतर गए और रास्ता जो है आगे से था बंद, तो ये नया रोड बना दिया है, क्योंकि यहाँ से अब अपन लेफ्ट लेंगे फिर उस ब्रिज के ऊपर चढ़ेंगे एकदम गंगा के किनारे से, नया रोड बना दिया है इन्होंने, क्योंकि वो रोड जो है वो ब्लॉक कर मतलब ब्लॉक नहीं किया है, दाहिने से किया है अजय भी आप वीडियो बनाते हुए ये भी तो यही है पूरा मतलब बना बना दिया है इधर से। अब ये जगह चढ़ गए ऊपर जेपी सेतु के ऊपर, ये है जेपी सेतु, और देख सकते हैं ये पुल है टोटल 7 किलोमीटर का, मतलब 7 किलोमीटर बहुत होता है। जब मैं पहली बार आया था इस पुल से ना, मेरे को लग रहा था ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है भाई, कब ख़त्म होगा, पर आते आते लास्ट में ख़त्म हो ही गया 10 मिनट बाद। और पहली बार जीवन में मैंने मेरे हिसाब से इतना बड़ा पुल देखा था, शायद बांद्रा वर्ली सीलिंग इतना ही बड़ा है पता नहीं, तो मुंबई में जब रहते थे तब की बता रहे, पर ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है ये भी, वहाँ से यहाँ तक 7 किलोमीटर, बांद्रा वर्ली सीलिंग बड़ा है इससे। तो गुरु पहुँचे हैं महुआ, और जो है कि गाड़ी थोड़ी ना गंदी हो गई है, मतलब गंदी बोले थोड़ी नहीं बहुत गंदी हो गई है, तो इसको धुलाना है जो है उसको सर्विस सेंटर में, यहीं बगल में सर्विस सेंटर है तो इसको पहले धुलाएंगे, क्योंकि गंदा हो गया तो अच्छा नहीं लगता है, पिकअप तो है नहीं तो चलिए इसको धुलाते हैं फिर मिलते हैं आप सभी से। तो गुरु गाड़ी जो है वो धुल गई, अब इसको पोछ रहे हैं वॉशिंग वाले भैया। यार हमने ना रात को कुछ खाया नहीं भाई, मतलब इस पे भी, क्योंकि हम लोग सोचे चंपारण वाले के यहाँ चलते हैं और वहाँ पे जो है चल के खाएंगे कुछ चिकन।
चिकन विकन पर क्या हुआ, क्योंकि बहुत महीने हो गए लगभग मेरे को चिकन खाए, बहुत महीना तो खाया नहीं था, तो हम क्या खा लेते हैं, क्योंकि श्रावण में खाता नहीं हूँ, पर एक दिन खा लिया था, तो अब क्या जब खा लिया तो खा लिया, फिर क्या ही मतलब है। तो वही सोचे थे, पर बंद मिला रात को, आ रहा आते आते 11 बज गया, फिर हुआ नहीं, तो नेवरागंज जाके रुक गए। रुकने के बाद अभी अब आ गए हम लोग महुआ, गाड़ी वाड़ी धुला रहे हैं, धुला बुला के अब चलें डायरेक्ट समस्तीपुर, फिर देखते हैं क्या है कैसा है। तो गुरु ये हम पहुंच गए ताजपुर मंडी, और देख सकते हैं पूरी मंडी खाली है, मतलब कि पहुंच के आ गए हम समस्तीपुर से जाके आ गए। ये लक्ष्मी होटल है, आपने देखा होगा, तो अंदर चलते हैं गाड़ी के, कुछ खाते हैं, होटल में तो खाए ही, पर अजय भैया हाँ मिठाई खाते हैं हम लोग। ये कुछ बोल रहे हैं उसको म्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि वॉइस जो थी वो क्लियर नहीं थी, तो उसको म्यूट कर दिए। ये है लाल पेड़ा, जो कि पूरा प्योर देसी घी में है भाई, मतलब खा के ना मज़ा ही आ जाता है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं, फिर मिलते हैं। तो गुरु ताजपुर से आगे बढ़े थे ना, बारिश होने लगा बहुत तेज, मतलब दिखा रहा हूँ बैक कैमरे से, तो ये होने लगा ना बहुत तेज से बारिश, और मतलब बहुत तेज से क्या, अभी आगे बहुत तेज़ हो रहा है, अभी भी डाउन है, पर बारिश बहुत तेज ही है, लगभग पूरा रोड भीग गया है, तो संभल के चलना पड़ेगा, और क्या ही बोल सकते हैं। तो अभी यहाँ से चलते हैं और मिलेंगे अब आप सभी से आगे। तो गुरु ये जो है ना, ये मुजफ्फरपुर मोतिहारी हाईवे है, और ये मोतिहारी जाता है ये हाईवे, और भाई साहब मतलब क्या मक्खन हाईवे, कौन बोलता है कि बिहार गरीब है, बिहार में गरीबी बिल्कुल नहीं है यार, मतलब सिर्फ दिखाते हैं, हम लोग के पास बहुत पैसा है बिहार वालों के पास यार, यहाँ के रोड इतने डेवलप हैं, हम बहुत साल से चल रहे हैं, पर बीते 4 सालों में बहुत डेवलप हुआ है। आगे देखिएगा एक पतला सा खंबा दिख रहा है, उस खंबे में जो है ना CCTV, इस रोड के ऊपर जो है हर 1 किलोमीटर पर CCTV फुटेज, मतलब CCTV कैमरा लगाए गए हैं, ये देखिए इस खंबे के अंदर कैमरा लगा हुआ है। तो कौन कहता है बिहार गरीब है भाई, बिहार के पास बहुत पैसा है। और चलिए आगे मिलते हैं आप सभी से। तो गुरु ये छपरा में कोई जगह है, वहाँ पे सरैया करके है, वहाँ से कुछ किलोमीटर पहले रुके हुए हैं, ऐसे ही रोड पे रुक गए थे, कि हम लोग जा रहे थे गोरखपुर और वहाँ से फिर वापसी हो गए, अब गोरखपुर नहीं जाएंगे, तो अपने को चलना है अब बनारस से आई घर जाएंगे, तो क्योंकि अब बियर्ड बढ़ गई भाई फिर से वापस, और बियर्ड जो है बड़ी है, तो अब सावन में इसको बनवाएंगे नहीं, ये ऐसे ही रहने वाला है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं, फिर आगे मिलते हैं। तो गुरु ये है छपरा ब्रिज, जो आरा छपरा ब्रिज है, ये एक वक्त में जब मैं पहली बार अपनी लाइफ में टाटा 207 खरीदा था, तो इस ब्रिज से गया था जब मैं शिलोंग गया था, तो यही ओवर ब्रिज थी जिससे मैं वापस आ रहा था, और इतनी ट्रकें थी ना, ये साइड में दिख रहा होगा आपको, वहीं पे लोग खाना बना के देते थे, और पूरा जो है पूरा भरा हुआ था। ये भी बहुत लंबा ब्रिज है, और एक ऐसा ब्रिज जो कि बिना किसी लोहे का, ये वायर जैसा मोटा मोटा लगा के, और 6 से 8 किलोमीटर इस ब्रिज को ऐसे ही बना के छोड़ दिया गया है, और आज भी चल रहा है इस पर, 150-200 ट्रकें ऐसे ही खड़े रहती हैं, 6 दिन 8-8 दिन जब ट्रैफिक लगता है तो भाई, अब फिर भी जो है कि ब्रिज को कुछ नहीं होता है। और मैं जब तकरीबन आज मेरे को 4 साल हो गए, 4 साल से मैं इसको देख रहा हूँ, और देखिए ये जो मतलब किस हिसाब से इसको बनाया है यार, क्या बोल सकते हैं इसको। और गंगा जी जो है पूरी तरीके से भर चुकी हैं, और रेत का जो है मतलब इसमें से जो बालू निकलता है रेत, वो बंद हो चुका है। तो चलिए आगे मिलते हैं। तो गुरु छपरा से जो है वो मैं आ गया, ये जगदीशपुर है, जब आप मोहनिया और आरा हाईवे पे आएंगे जो 120 किलोमीटर का था, तो ये अब बन चुका है, और एक टोल जो है वो जगदीशपुर से पहले बना दिया गया है, मतलब आगे आएंगे तो मोहनिया से आएंगे तो जगदीशपुर के बाद, और जब आरा से आएंगे तो जगदीशपुर से पहले ये टोल बना दिया गया है। बाकी ये हाईवे बहुत ज़बरदस्त बना रहा है भाई, मतलब यार ना गजब मज़ा आ जाएगा जब जिस दिन ये कम्प्लीट होगा ना, हम लोग 2 घंटे का रास्ता 1 घंटे में कर सकते हैं ऐसा है, क्योंकि अब वन वे अभी फ़िलहाल के लिए तो वन वे है कहीं कहीं अभी, और 4 लेन है जब आधा बाकी है, पहले पूरा टोटल जो है वन वे हुआ करता था, बट अब अलग हो गया है। तो खैर चलिए अब यहाँ से चलते हैं, अब मिलेंगे आपको देखिए घर पे शायद। तो गुरु जो है वो हम आ गए घर पे, मतलब यहाँ से गए थे इसी टाइम 5 बजे के आसपास जो है वो निकले थे हम समस्तीपुर के लिए, समस्तीपुर गए, काम हुआ, वहाँ पर वीडियो नहीं शूट करते थे जिस काम के लिए गए थे, मैं बोलता हूँ सारा कुछ वीडियो में हर चीज़ बतानी ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो नहीं बतानी चाहिए, तो उस काम के लिए गए थे, वो काम हो गया, और वहाँ से जो है
चल के आ गए घर पे। आया था रात को, घर पे 2 बजे आ गया था, मतलब मैं 2 बजे आया था, आने को तो 12 बजे मैं बनारस था। माचिस क्यों गिरा दी सब? तो ये माचिस वाचिस गिरा दिए। तो खैर, हाय बोलो, हाय बोलो सबको, बोलो हाय हाय। तो बस इस वीडियो को एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा लें ताकि आप तक हर रोज़ ऐसी वीडियो पहुँचती रहे। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। और मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।